हाँ, मुझे पाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मेरी कुंडली में राजयोग लिखा है। पूरी, ओ पूरी, हाँ दीदी, बेटा भैंस ने गोबर कर दिया है, आके उठा ले वरना ठंडा हो जाएगा। थैंक यू, लेकिन ये मेरे पापा नहीं है, मैं इनकी किराएदार हूँ। तेरे को शर्म नहीं आती जवान लड़कियों को किराए पे रखता है? पहले बताइए इन्हें हुआ क्या है? आपने आने में बहुत देर कर दी। मतलब आप ये? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम बोर हो रहे थे इसलिए बोला, आपने आने में देर कर दी। और आने का मम्मी डैडी ने सिखाया नहीं क्या आपको? क्या ऐसा हॉस्पिटल जाने का तो गुलदस्ता, बियर, तंदूरी विंदूरी लेके आने का। एक सेकेंड, कौन सा पेशेंट बियर पीता है? सारा पेशेंट के बारे में सोचना, डॉक्टर भी तो होते हैं। कल के दिन तुम्हारी शादी हो गई और जो लड़का है वो अगर लड़की निकला तो अपनी एंगेजमेंट कैंसिल करो। लेकिन एंगेजमेंट कैंसिल कैसे करते हैं? बोलो पेंसिल। पेंसिल, तेरी एंगेजमेंट कैंसिल। लो, तुम्हारी शादी हो गई। एंगेजमेंट हो गई मेरी। अच्छा, तो एंगेजमेंट से पहले डॉक्टर से पूछा था? डॉक्टर से क्यों पूछना है? थोड़ी सी गैस हो जाए तो डॉक्टर से पूछती हो। एंगेजमेंट हो रही है और डॉक्टर से पूछ ही नहीं रही। वाह वाह, पूरी पानी मुझे चाहिए, पानी मुझे चाहिए, पानी मुझे चाहिए, पानी उसी को मिलेगा जो सबसे ज्यादा पैसा देगा। क्या पूरी, तुम पैसा पैसा लगा रखी है, पैसा हाथ की मैल होती है। तो मैल के हिसाब से तो तुम करोड़पति हो रहे हो। इतनी चिलम चिली क्यों हो रही है? जब तुम्हें पता है ऑलरेडी इधर चिलम चिली हो रही है तो अपना चिलम जैसा मुंह लेके इधर चिल करने की बात। मुझे ना शोज की कमी नहीं है, आई एम जस्ट वेरी चूजी। हाय, तुम चूजी, मैं चूजा, चलो कुकड़ू कुकड़ू करे। शर्म नहीं आती आपको? मेरे को आती थी, मैंने शर्म करनी बंद कर दी है, कोई फायदा नहीं है। थोड़े भी शर्म हो जाओ, समाज में थोड़ी थू था होती है लेकिन काम बन जाता है। यार देखो, मैं यहाँ पे शो होस्ट करने आई। देखो शो वो मिलते रहेंगे, ऐसा लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। यार कैसी बातें कर रहे हैं आप, मेरे पिताजी की तरह है। तो अपनी माताजी का नंबर दे दो। रोज फोन करके पूछती है अगर आपके फ्रिज में मछली है तो मैं आऊं लेने। क्यों करती है ऐसे काम? अर्चना, मैं मछली मैं खा रही हूँ, कांटे किसी और को चुभ रहे। वैसे ये बताओ, तुम आज ओवर तैयार होकर किधर जा रही हो? मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ तुम जाने की सोच भी नहीं सकते। सीधा बोलना, जेल जा रही अपने बाप से। अभी पहुँचते, अभी पहुँचते। बुरी, आज तो तुम जहर लग रही हो, खा के मर जाओ। आप देखती, ऐसी बातें करता है मेरा पति, मतलब कितना अनरोमांटिक है। लोग क्या क्या नहीं करते अपनी बीवियों के लिए। अरे पड़ोस के गुप्ता जी अपनी बीवी को हर हफ्ते डिनर पे लेके जाते हैं। अरे जा, उसको तो मैं भी लेके जाना चाहता हूँ, मानती नहीं। पान बहुत खा लिया कप्पू, अब ना किसी दिन चूना लगेगा, वो भी तुमको, फ्रॉम भूरी। और जा, दरवाजे की चटनी तरह से लगती नहीं है, चूना तू लगाएगी मेरे को। देखो जिस दिन दरवाजा बंद करने की नौबत आ गई ना, छिटकी नहीं लग जाएगी।